जी हाँ दोस्तों जी एस टी आर थ्री बी में आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है हार्ड लुकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज इन जी एस टी आर थ्री बी तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू असिस्ट द ट पेयर इन फाइलिंग देयर रिटर्न एंड मिनिमाइजिंग ह्यूमन एरर जी एस टी एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता है अपने जी एस टी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को अभी आपको क्या है जीएसटी पोर्टल पर प्री फिल्ड थ्री बी मिलता है जहाँ पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी यानी कि जो आपका जी एस थ्री बी का प्री फिल्ड फॉर्म रहता है वहाँ पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है ऑटो पॉपुलेट होती है फ्रॉम द डिक्लेयर्ड सप्लाई जो आपने अपनी सप्लाई दिखाई है अपनी जी एस वन में वन ए में आई में जहाँ और आपका जो आई है ठीक है आपकी टैक्स लाइबिलिटी तो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है आपकी जो सप्लाई आपने जी एस टी वन ए आई एफ एफ में दिखाई है और आपका जो आईटीसी है वो ऑटो पॉपुलेट होता है आपकी थ्री बी के अंदर फ्रॉम जी एस टी आर टू बी ए डिटेल सिस्टम जनरेटिव पी डी एफ़ ऑफ ओटो पोपुलेटेड थ्री बी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द ऑल टेक्सपेयर्स तो आपके लिए एक सिस्टम जनरेटेड पी डी एफ़ भी होती है जहाँ पर आपकी ओटो यानी कि कह लीजिए प्रीफिल्ड थ्री बी आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है आपकी सुविधा के लिए नाओ टेक्सपीयर ऑल्सो हैव फैसिलिटी टू अमेंड देयर इनकरेक्टली डिक्लेयर्ड आउटवर्ड सप्लाई इन जी एस टी आर वन एंड आई एफ एफ तो आप अपनी जी एस टी आर वन और आई एफ एफ में यदि आपने कोई गलतियाँ की हैं तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं थ्रू जी एस टी आर वन ए एलाउिंग दैम एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देअर लाइबिलिटी बिफोर फाइलिंग थ्री बी और ये जो वन या वो आपको अवेलेबल करवाई गई है कि आप अपनी थ्री बी फाइल करने से पहले यदि आपकी जी एस टी आर वन या वन ए में कोई भी मिस्टेक है तो वो करेक्ट कर लीजिए अकॉर्डिंगली टू मैनेज द इनवर्ट सप्लाई एंड एनश्योर एक्यूरेट आई टी सी क्लेम इन थ्री बी टेक्सपेयर हैव ऑप्शन टू टेक इन्फॉर्म्ड एक्शन ऑफ एक्सेप्ट रिजेक्ट एंड पेंडिंग ऑन इनवर्ट सप्लाई तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है आईएमएस का आईएमएस में क्या है कि आपको आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें या पेंडिंग कर लें अपनी इनवर्ड अप्लाई को जहाँ पे आपको डाउट है तो ये ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर लें इट मे बी नोटेड दैट टेंटिवली फ्रॉम जनवरी 2025 से जीएसटी पोर्टल इज़ गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट मेकिंग चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू इन प्री फिल्ड थ्री बी तो अब यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है क्या परेशानी अब आपको झेलनी पड़ेगी जनवरी 2025 से ये जो चेंज है ये एप्लीकेबल किया जा रहा है टेंटेटिवली कि जीएसटी पोर्टल अब जो आपको ऑटो पॉपुलेटेड थ्री बी देता है जिसमें कि आप चेंजेस भी कर पाते हैं लेकिन जनवरी 2025 से अब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आप किसी भी तरह का कोई भी चेंज जो है नहीं कर पाएंगे अपनी ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज़ में जो आपकी थ्री बी में ऑटो पॉपुलेट होकर के आएंगी जो आपकी जी एस टी आर वन वन ए में से या आई एफ एफ में से ऑटो पॉपुलेट हो रही हैं या जो आपका आई टी सी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है आपकी टू बी में टू बी से तो यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी प्रीफिल्ड जो आपकी होती है वन वन ए आई एफ एफ या फिर टू बी में से टू फर्दर एनहेंस द एक्यूरेसी इन जी एस टी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इट इज़ वंस अगेन सजेस्टेड हेयर बाय दैट इन केस एनी चेंज इज रिक्वायर्ड इन ऑटो पॉपुलेटिव वैल्यू द सेम मे प्लीज बी हैंडल थ्रू जी एस टी आर वन ए और आई एम एस तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसके बारे में आपको अपडेट दिया गया है ये जनवरी 2025 से जो चेंज है एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके बाद जो है ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज़ आपकी चेंज नहीं होंगी एक तरह से मान लीजिए कि आपकी थ्री को लॉक लगा दिया जाएगा तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट था आपकी थ्री बी से जुड़ा तो मेक श्योर sure कि जब आप अपनी जी एस टी आर वन फाइल करें करेक्टली फाइल करें अगर कोई मिस्टेक है तो जी एस टी आर वन ए में ही उसको करेक्ट कर लें ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पे ना आए क्योंकि अगर आपकी थ्री बी की ऑटो पॉपुलरिटिव वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी तो फिर आपके लिए आगे चल करके काफ़ी समस्या आ सकती है